हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ TVS रेडर के 7 पॉजिटिव्स जो मुझे इस बाइक को लेने के बाद एक साल में फील हुए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके पॉजिटिव नंबर 1 से, तो वो है इसकी इंजन की परफॉर्मेंस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बाइक में 125 सीसी का इंजन मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, 11 BHP और 11 Nm का टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करता है। तो जब बात करते हैं इसके पिकअप की, तो काफ़ी बढ़िया पिकअप इस बाइक में हमें मिलता है, काफ़ी पावरफुल ये बाइक है। ये बाइक 125 सीसी की है, ऐसा हमें फील भी नहीं होता जब हम इस बाइक को चलाते हैं। तो काफ़ी पावरफुल जो है इसकी परफॉर्मेंस है, और इसका पावर टू वेट रेशियो जो है वो काफ़ी बैलेंस होने के कारण इसकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी है, यहाँ पर हमें मिलती है। बात करेंगे दूसरे पॉजिटिव के बारे में, तो वो है इसकी लुक्स। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, फ्रंट साइड से हो या फिर साइड प्रोफाइल से हो या फिर रियर साइड से हो, आप कहीं से भी इस बाइक को देख लो, आपको किसी भी एंगल से डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। हाँ, पहले पहले जब मैंने इस बाइक को लिया था तो रियर लुक उतनी कुछ अच्छी ज़्यादा अच्छी मुझे लगती नहीं थी, पर जैसे मैं इसको यूज्ड टू हो गया तब तो इसकी रियर लुक भी काफ़ी अच्छी लगने लगी है। तो इस सेगमेंट में जैसे कि बाकी गाड़ियाँ आती है SP125 वगैरह और बाकी जो आती है हीरो वगैरह की, तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पर हमें सबसे बढ़िया लुक इसी बाइक में देखने को मिलती है। तो ये भी मुझे इसका एक पॉजिटिव लगता है। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव नंबर 3 की, तो इस गाड़ी में मिलने वाले फीचर्स। तो इस गाड़ी में हमें इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन मिल जाती है, रिवर्स LCD डिस्प्ले वाली स्क्रीन, एक ही कलरफुल डिस्प्ले हमें मिलता है जो कि बाकी बाइक्स में ग्रे कलर का मिलता है पर इसमें कलरफुल मिलता है। और इसके अलावा इसमें हमें इको पावर ऐसे दो मोड्स मिल जाते हैं, चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन के साथ हमें साइड स्टैंड वाला फीचर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें TVS इंटेलिगो फीचर मिल जाता है जिसकी मदद से आपकी गाड़ी का इंजन ऑटो स्टॉप और ऑटो स्टार्ट होता है। और उसके अलावा यहाँ पर हमें LED टेल लाइट्स हो गई और LED हेडलाइट्स हो गई, ऐसी कुछ यहाँ पर हमें LED हेडलाइट्स मिल जाती है, जहाँ पर DRLs और ये लो बीम और हाई बीम का सेटअप मिल जाता है। तो ऐसे काफ़ी अच्छे फीचर्स हमें इस बाइक में मिल जाते हैं, तो ये भी मुझे इसका एक पॉजिटिव लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों TVS रेडर के 4th पॉजिटिव के बारे में, तो वो है इस गाड़ी में मिलने वाली माइलेज। तो मुझे इस गाड़ी ने भाई बहुत ही अच्छी माइलेज अब तक दी है। जब मैं इस गाड़ी को ऐसे सुनसान रोड पे चलाता हूँ, 60 के स्पीड पे इसको क्रूज़ करता हूँ, तो ये गाड़ी मुझे आराम से ऐसे रोड पे, जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं होता है ज़्यादातर, तो ऐसे रोड पे ये 60 के स्पीड पे क्रूज़ करने के बाद मुझे आराम से 70 की माइलेज जो है यहाँ पर ये बाइक दे देती है। और जब बात करते हैं हम ऐसे कच्चे रास्तों की, तो जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं तो कभी कभार हमें ऐसे कच्चे रास्तों पर भी इसको ले जाना होता है, तो इस टाइप वाले रोड पे मुझे ये बाइक 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है आराम से दे देती है, और वहीं पे ऐसे रास्ते पे तो ये अच्छी माइलेज जो है दे देती है। और बात करेंगे सिटी में, तो सिटी में भी 50 से 55 की माइलेज ये बाइक आपको आराम से दे देगी, तो माइलेज भी एक इस बाइक का काफ़ी अच्छा पॉइंट जो है मुझे लगता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के 5th पॉजिटिव के बारे में, जो कि मैं इसके राइड एंड हैंडलिंग के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर हम बात करेंगे इसकी राइड की, तो जैसे कि यहाँ पर हमें बहुत ही बड़े साइज़ का ये देखो राइडर के लिए सीट देखने को मिलता है, और उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही बड़े साइज़ का यहाँ पर हमें पिलियन सीट देखने को मिलता है। दोनों ही सीट का हम कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम्फर्टेबल ये दोनों ही सीट्स हैं। तो जैसे कि आप बाकी स्पोर्ट्स बाइक में देखते हो तो ये वाली सीट तो बड़ी होती है पर ये वाली छोटी होती है, पर यहाँ पर हमें रेडर में ये वाली भी बड़ी सीट देखने को मिलती है, इसकी मदद से आपके पिलियन को भी काफ़ी कंफर्ट यहाँ पर मिलता है। और बात करते हैं जब हैंडलिंग की, तो इस बाइक में हमें ये देखिए मोनोशॉक ऑब्जॉर्बर मिल जाता है, इसकी मदद से जब आप इस बाइक को मतलब हाई स्पीड पे चलाते हो तो ये जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ये बाइक, काफ़ी स्टेबल ये हमें फील होती है इसको चलाने के बाद। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कभी डर लग रहा है इसको चलाने में हाई स्पीड में, काफ़ी स्टेबिलिटी जो ये इसका मोनोशॉक प्रोवाइड करता है। साथ ही में इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो अगर हम बात करेंगे सस्पेंशन की या फिर हैंडलिंग की, तो
ये दोनों ही बातें इस गाड़ी के बारे में काफ़ी अच्छी हैं। अब मैं बताना चाहूँगा आपको इसका सिक्स्थ पॉजिटिव जो कि मुझे लगता है वो है इसके ब्रेक्स के बारे में। तो यहाँ पर हमें फ्रंट साइड में मिलता है डिस्क ब्रेक और रियर साइड पे हमें मिलता है ड्रम ब्रेक। तो चाहे फ्रंट साइड वाला डिस्क ब्रेक हो या फिर ड्रम ब्रेक हो, दोनों की जो ब्रेकिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी तरीके से ये गाड़ी को रोक पाते हैं दोनों ही ब्रेक्स। और साथ ही साथ इसका जो रियर ब्रेक है उसको अगर आप दबाते हो तो 60% पावर 60% ये रियर व्हील को रोकता है और 40% फ्रंट वाले को रोकता है। मतलब इसमें हमें ये कॉम्बी ब्रेक वाला सिस्टम मिलता है। इसको दबाने के बाद इसको भी फोर्स अप्लाई होगा और इसको भी फोर्स अप्लाई होगा, तो जिसकी मदद से आपको इस वाले ब्रेक को दबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इसी से आपका काम जो है अच्छे से हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी जो है ब्रेकिंग इस गाड़ी की मिलती है। बात करते हैं इसके लास्ट पॉजिटिव यानी कि सेवन्थ पॉजिटिव के बारे में, तो वो मुझे लगता है इसमें मिलने वाली हमें ये बूट स्पेस, जो कि किसी भी बाइक में ऐसी बूट स्पेस नहीं मिलती। आपको यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत आपके पेपर वगैरह या फिर स्मार्टफोन रखना हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छी आप यहाँ पर देख सकते हो स्पेस मिल जाती है। और इसमें अगर आप बारिश के टाइम में निकलते हो, आप बारिश के टाइम पे आप निकलते हो और आपको अपना फ़ोन यहाँ पर रख सकते हो आराम से, किसी भी प्रकार का पानी यहाँ पर अंदर जो है नहीं जाता। मैंने बहुत बार इसको बारिश में चलाया है तो एक बार भी पानी इसके अंदर नहीं गया। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे इस बाइक के बारे में लगता है। तो यही थे दोस्तों TVS Raider के बारे में सेवन पॉजिटिव जो कि मुझे फील हुए हैं इस एक साल में। तो यही कुछ थे पॉजिटिव्स TVS Raider के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।